यूरोप के अंदर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सभी प्रदर्शनों की एक ही डिमांड है कि किसी भी तरीके से हमें इस यूक्रेन से छुटकारा दिलाया जाए। ये सब उसी वक्त हुआ जब भारत के विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस वक्त मध्यवर्ती चुनाव का माहौल चल रहा है और वहां पर भी भारत का जो अभी तक का रवैया रहा उसको देखते हुए बड़े बड़े लीडर भारत के पक्ष में बयान दे रहे। इसी के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय देशों की जनता को भी परेशानी हुई। जनता अब उसका कड़े तौर पर विरोध कर रही है। आपको बता दें, जनवरी के अंत में जब जंग की शुरुआत हुई तो मीडिया ने एक माहौल बनाया जिसमें जनसाधारण अमेरिका यूक्रेन के साथ जुड़ता चला गया। उधर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के कहने पर रूस के विरोध में कई बड़े फैसले लिए जिसका दूरगामी परिणाम इन देशों की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रहा है, जिसके चलते जनता आक्रोशित होती जा रही है। बता दें, रूस की कंपनी नोवाटेक, जो कि विश्व का तकरीबन 15% एलएनजी सप्लाई करती है, ये यूरोप के पास जा रहा था और आनन-फानन में से प्रतिबंध करने का फैसला लिया गया। और इसी दौरान इंडिया पर भी दबाव बनाया गया कि देखिए, हम तो युद्ध और रशिया का विरोध कर रहे हैं लेकिन भारत हमारी बात नहीं मान रहा। वहीं सब के कारण यूरोपीय देशों में गैस की कीमतों में उछाल आते हुए 10 गुना तक पहुंच गई। जहां तेल और गैस इन देशों को ज्यादा कीमत में खरीदने पड़ते हैं, वहीं भारत पुराने ही रेटों में तेल खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां भारत को दुनिया के सामने विलन के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, वहीं अब तमाम यूरोपीय देश खुद ही अमेरिका के हाथों ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही भारत के विदेश मंत्री रशिया पहुंचे, एक के बाद एक अमेरिका की तमाम दबी नीतियां सामने आने लगी, जिसमें से एक है, प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका के बैंक रूस में काम कर रहे हैं। और इस खुलासे से आम जनता और यूरोपीय देशों को बड़ा झटका लगा। वहीं रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री जयशंकर ने खुले तौर पर MOU साइन किए और अब इस सब के चलते अमेरिका से जवाब देते नहीं बन रहा। वहीं सीधे तौर पर अमेरिका और यूरोप के संघर्ष में शामिल होने के बाद यूरोप में बेरोजगारी आ चुकी है, वहां के लोगों की जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। उधर भारत अपने स्पष्ट विदेश नीतियों के चलते शुरू से ही अभी तक अपने स्टैंड पर है और इस वक्त दुनिया में कोई भी भारत पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।